हाँ दोस्तों, यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का न्यू एटीएम कार्ड जो कि मेरे घर पे आज के डेट में डिलीवर हुआ है, और यह मेरा पुराना वाला एटीएम कार्ड जो कि एक्सपायर हो चुका है। जब यह एटीएम कार्ड एक्सपायर हुआ तो हम एक न्यू एटीएम कार्ड अप्लाई कर लिए इसके ऑफिशियल मोबाइल ऐप। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग है जिसका नाम है कैन मोबाइल ऐप, हम वहीं से एटीएम कार्ड अप्लाई किए तो लगभग एक सप्ताह के अंदर में मेरे घर पे ये वाला एटीएम कार्ड डिलीवर कर दिया। तो देखिए आप इसका एटीएम पिन कैसे बनाएंगे, चलिए आपको बताते हैं। देखिए पहले क्या कंडीशन था कि न्यू एटीएम कार्ड का न्यू एटीएम पिन बनाने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी नियरेस्ट के एटीएम मशीन में जाना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब आप घर बैठे अपने एटीएम कार्ड का न्यू एटीएम पिन बना सकते हैं इसके मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग से। यह अपडेट कर दिया गया है सेंट्रल बैंक के तरफ से। तो कैसे आप एटीएम पिन बनाइएगा, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप एक न्यू एटीएम पिन बना करके बता देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल मोबाइल ऐप कैन मोबाइल ऐप को ओपन करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको एम पिन डाल करके इसमें आपको लॉग इन करना होगा, लेकिन इससे पहले आपको इसको एक्टिवेट भी करना होगा। एक्टिवेट वगैरह कैसे कीजिएगा हम वीडियो कर दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके बाद जब आप इसको यहाँ से ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको देखिए डिस्प्ले मिलेगा, आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। उसके बाद आपने एटीएम कार्ड का न्यू एटीएम पिन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पे कार्ड्स का। उसके बाद नीचे में आपको ऑप्शन मिलता है डेबिट कार्ड का, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा एटीएम कार्ड का पिन बनाने के लिए। देखिए इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा पहला कंट्रोल डेबिट कार्ड, आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने एटीएम कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर में आपको ऑप्शन मिला देखिए ग्रीन पिन जनरेशन, तो यहाँ से अपना न्यू एटीएम पिन बना सकते हैं। अगर आप एटीएम कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर डेबिट कार्ड, तो यहीं से हम अपना एटीएम कार्ड अप्लाई करके लिए हुए थे। चलिए अब आपको पिन भी बना करके बताते हैं। पिन बनाने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं देखिए आपको कुछ इसमें पहले डिटेल फिलअप करना होगा। तो इसमें देखिए आपको एटीएम कार्ड के ऊपर 16 डिजिट का जो नंबर लिखा हुआ रहता है वो आपको यहाँ पर डालना होगा, एटीएम कार्ड नंबर, देन आपको सीसीवी नंबर। देखिए एटीएम कार्ड के बैक साइड में आपको एक सीसीवी नंबर मिलता है, आपको वो नंबर यहाँ पर डाल देना होगा। देन आपको देखिए एमएम अर्थात मंथ जो होता है एटीएम कार्ड के नीचे में आपको फ्रंट साइड पर यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, आप ये वाला देख करके इसमें डालिएगा और वही नंबर यहाँ डालेगा ईयर एक्सपायरी ईयर जो भी होगा आपको यहाँ पर डाल देना होगा। देन आप जो भी अपना एटीएम कार्ड का पिन रखना चाहते हैं आपको आपसे मिलेगा देखिए इंटर ग्रीन पिन फॉर एटीएम कार्ड, आप जो भी अपना एटीएम पिन रखना चाहते हैं 4 डिजिट का आप यहां पे डाल दीजिएगा। नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा देखिए कंफर्म एटीएम कार्ड पिन, तो दोबारा से आपको वही एटीएम पिन इसमें डालना होगा जो कि आप ऊपर में डालिएगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको डालना होगा, तो इस ऐप को एक्टिवेट करने के दरमियान जो भी अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाइएगा वही आपको इसमें डालना पड़ेगा। देन आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा देखिए प्रोसीड का, फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका यहाँ से एटीएम पिन भी सक्सेसफुल बन जाएगा। चलिए आपको सक्सेस करके दिखाते हैं, अर्थात एटीएम पिन बना करके दिखा देते हैं। तो देखिए मेरा एटीएम पिन सक्सेसफुल बन चुका है। तो कुछ इस प्रकार से अपने एटीएम कार्ड का न्यू एटीएम पिन बना सकते हैं। अगर बाद में चल के अपने एटीएम कार्ड का एटीएम पिन भूल भी जाते हैं आप उसको दोबारा से फिर से अपने एटीएम पिन चेंज कर सकते हैं सेम टू सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके, अर्थात अपने एटीएम कार्ड का एटीएम पिन चेंज कर सकते हैं यहां से। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कोई कंफ्यूजन कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।